व्हाट्स अप गेमर, कैसे हो आप लोग। सो गाइस यार, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ पबजी मोबाइल लाइट। अब देखो यार, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो मेरे को पता है कि आप थंबनेल देख के आए हो, आप टाइटल देख के आए हो, तो फिर भी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि पबजी मोबाइल लाइट, क्योंकि यार एक आदत सी पड़ चुकी है, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब शुरू से यही आदत है तो ठीक है ना। अब देखो यार, यहाँ पे इस घर के पास में आते हैं तो अब पहले गेम समझो, तो यहाँ पे एक रियल बंदा, ठीक है ना, समझो रियल बंदे ने मेरा नंबर 3 को टक्का दिया था, तो अब इसको किसी तरीके से मारना था, तो इसको भी अपन मार देते हैं। अब देखो गाइस, इस गेम को पूरा करने से, आई मीन आप देख रहे हो तो आपको पहले से ही मैं आपको बता देता हूँ कि इस गेम में मोस्ट ऑफ जो लोग आएंगे, जो बंदे आएंगे, वो एक्चुअली में बोट ही रहेंगे, ठीक है ना। अपन मतलब बॉट किलर है, ठीक है ना, आई मीन बॉट किलर नहीं है, लेकिन बहुत सारे बंदे इस गेम में बहुत ही आएंगे। लेकिन इस गेम को डालने का क्या सेंस बनता है, मतलब कोई सेंस बनता है इस गेम प्ले को डालने का? नहीं बनता है। लेकिन फिर भी मैं ये गेम प्ले क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि भाई अगर आप पिंग के, आई मीन अगर आप VPN के साथ खेल रहे हो, ठीक है ना, VPN लगा के खेल रहे हो, और अगर आपकी पिंग हाई आ रही है, और फिर अगर आप बंदों को मार रहे हो, और उसके बीच में अगर आपको बॉट परेशान कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो एक मतलब वो बनता है ना, पूरा क्या बोलते हैं उसको, एक जो वो रो बनती है, ठीक है ना, एक लंबी से रो बनती है उसके बीच में, जबकि ऐसे कुछ भी रो कुछ भी नहीं बनती है। अब ऐसे ही मेरे माइंड में कुछ नहीं आ रहा था तो मैंने बोल दिया, ठीक है ना, तो इस बात को इग्नोर करो। तो यार इसलिए जो उनके बंद, जब अपन हाई पिंग पे खेलते हैं और पिंग हाई आ रही हो, क्योंकि VPN कनेक्ट करके खेल रहे हो तो पिंग हाई आ रही है, और यार बोट वहाँ पे जो स्कैम करते हैं अपने साथ में, तो वो चीज़ डालने का मेरा मन किया था। तो मैंने सोचा चलो यार, ये गेम प्ले अगर बन गया है तो जो स्कैम अपने साथ हुआ है, जो बोट ने अपने साथ स्कैम किया है, बोट स्कैम बोल सकते हो आप उसको, तो ये चीज़ डालनी ज़रूरी है, ठीक है ना, अच्छा लगेगा। तो यार यहाँ पे हम लोग थोड़े से आगे आते हैं और एक बंदे को तो हम मार देते हैं, और यार काफ़ी देर के बाद हमको एक रियल स्क्वाड मिलती है जो कि सामने की रिच पे फाइट कर रही थी। तो देखो यहाँ से एक स्प्रे देके मैं एक बंदे को तो नॉकडाउन कर देता हूँ उसके, ठीक है ना, अच्छी बात है। स्प्रे अच्छा लगा ना, तो इस स्प्रे के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। तो लेकिन दूसरा फिर मैं स्प्रे दे रहा था, और जैसे ही मैं पूरा स्प्रे देता उसको मारता, इतने मेरी M4 खाली हो चुकी थी। तो अब थी मेरे पास एक एम, मैंने कहा चलो दूर से कुछ नहीं होगा, क्लोज करते। और जैसे ही क्लोज आते हैं हम, और यहाँ पे एक बंदा पता नहीं किसी ने नॉकआउट कर रखा था, तो इसका फिर से किल चुरा लेते हैं अपन। अब देखो यार, इसको आप किल चोर बोल सकते हो, लेकिन यार कोई भी बंदा अपनी बाकी पेट से चोर बन के नहीं आता है, किल चोर बन के तो बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है। तो इस बात के लिए, इस बात को ध्यान रखना आप, जो मेरा मेरी बात है ना, इसको समझो और इस बात को ध्यान रखना। सो गाइस यार देखो, यहाँ पे कुछ स्कोप ऐसे खुलता है और मेरी दोनों गने खाली हो जाती है, और ये बंदा मेरे को मार देता है। लेकिन यहाँ पे मेरा जो टीम मेट था वो मेरे पास में था, तो भैया वो जो इसको मारता है भाई, खुश हो जाता हूँ मैं, बोलता हूँ वो मेरे पास में बैठा था, मैं पप्पी दे देता हूँ उसको एक, कि भाई तूने बचा लिया मेरे को, ठीक है ना, तूने बचा लिया, बस इसके इससे ज़्यादा मैं क्या करूँगा, ठीक है, बचा लिया ना तूने। अब देखो ये मेरे को बचा रहा था, लेकिन इतने में ये मेरे को रिवाइव कर रहा था, लेकिन इतने में ये बोट आके परेशान करने लग गया, और इसी बोट स्कैम की बात कर रहा था मैं। अब आप जस्ट यहाँ पे देखना, बोट मतलब 2-3 बार आ ही जाएंगे, मतलब देखो ये बोट गया तो वो बंदा भी उसको पूरा मारने गया, अब छोड़ना नॉकआउट कर उसको, और आ मेरे को बचा, उसको नॉक कर दिया, उसको किल कर दिया, फिर आ रहा है मेरे को बचाने। अब देखो ये जो मेरे टीममेट, मेरे जो बड़े भैया थे, मेरे जो भाई साहब थे, ठीक है, सोमू जी, इनको जी लगाना मत भूलना आप, ठीक है ना, सोमू जी, तो सोमू यहाँ पे मेरे को बचा रहा था। अब देखो मेरे पास एमओ वेमो कुछ नहीं है, और हेल्थ के नाम पे आपको 10 बैंडेज दिख रहे हैं, तो यार ये 10 बैंडेज का भी काम लगने वाला है, आप बस देख लेना। तो यहाँ पे मैं ये क्रेट लूटता हूँ कुछ उस उम्मीद में कि मेरे को हेल्थ मिल जाएगी, लेकिन हेल्थ वेल्थ नहीं मिलती है, यहाँ पे मिलती है मेरे को एमओ, और ऊपर से एक बोट फिर आ जाता है। तो देखो इसको मारता हूँ मैं, जो कि ये तो एक शॉट में मर जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं फिर नॉक हो जाता हूँ, क्योंकि यार मेरी हेल्थ लगी हुई नहीं थी। तो यार अब देखो यहाँ पे हम दोनों तो जोन के बाहर में मतलब पिस रहे थे, ऐसे समझ सकते हो आप कि मतलब हम तड़प रहे थे कि क्या हो रहा है यार, ये मतलब बोट आ रहे हैं, हेल्थ नहीं लग रही। और भाई यहाँ पे जो हमारा नंबर 1 है भाई, नंबर 1 अगर मेरे को दोबारा कहीं मिला तो भाई आई लव यू नंबर 1, मतलब यार मैं क्या बोलूँ यार इस बंदे को, ये बंदा पता है कहाँ से आया, जबकि देखो न जान न पहचान कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे खेल तो हम जस्ट होम, और हम दोनों ऐसे ही हमने लगाया था, तो नंबर 1 जो था वो रेंडम प्लेयर था। अब देखो ये बंदा पता नहीं कहाँ से उठ के आया हमको लेने के लिए, कि अरे भैया ये दोनों जोन के बाहर मतलब पिट रहे कुछ भी समझ सकते हो आप, तो इनको लेने चलते हैं। और भाई नंबर 1 आया यहाँ पे, और बहुत ही ये जब आया तो भाई मेरी जो हंसी चली यार, मतलब ये गाड़ी को आगे ले रहा था, फिर पीछे ले रहा था, फिर आगे ले रहा था, फिर पीछे ले रहा था, ये बोले जा रहा था कि अरे भैया बैठो बैठो बैठो, क्या कर रहे हो तुम, लेकिन भाई नहीं बैठ रहे थे हम। सो गाइस यार यहाँ से मतलब इन बंदों को मारते हैं, और आपने हेल्थ वेल्थ सीन तो हमने देख ही लिया। अब यहाँ से थोड़े हम आगे आते हैं, और यहाँ पे काफ़ी देर के बाद हम लोग आते हैं अपार्टमेंट। अब देखो क्योंकि पबजी मोबाइल की आदत पड़ी हुई है, तो अभी मैं बोलने वाला था कि स्कूल वाले अपार्टमेंट, जबकि यहाँ पे स्कूल नहीं है, यहाँ पे इसको कुछ और बोलते हैं, नाम मैं भूल गया हूँ। तो यार यहाँ पे ऊपर आते हो, यहाँ पे मतलब एक स्कोर थी जिसमें से एक स्कोर का एक बंदा इधर था, और बाकी एक आध बंदा उस वाले अपार्टमेंट में था। तो यार इस बंदे को मारने में मतलब जो
मतलब जो परेशानियाँ आई, दिक्कतें आई, वो तो मैं आपको क्या ही बताऊँ यार, ठीक है ना। क्योंकि यार हाई पिंग में ये बंदा मतलब कब मरा, मतलब कुछ पता नहीं चला। अब देखो यहाँ पे टोटल बंदे कितने बचे थे, ये देखो आप। तो टोटल बंदे थे 9, जिसमें से 3 थे हम, मतलब कितने बंदे 6, जिसमें से एक बंदा अभी फिर से मर जाएगा, और जस्ट ये बंदा मरने वाला है। तो ये बंदा जैसे ही मरेगा और यहाँ पे बंदे कुल 8 बच जाएंगे। और सामने वाले पिंक हाउस पे एक बंदा था जो कि जिसको मैं मार रहा था स्प्रे से, और मैं मार भी देता उसको सीरियसली, लेकिन मानो मैं मार देता, लेकिन यहाँ पे नंबर 1 अपना नोक हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो यार रिस्क क्यों लेनी है, रिस्क है तो इश्क है, लेकिन हम है ब्रह्मचारी तो हमें नहीं है इश्क। डायलॉग जमाना अच्छी बात है, ऐसे डायलॉग जमाते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं अपना नंबर 1 को बचाता हूँ। और गाइज यहाँ से हम लोग थोड़े आगे आ जाते हैं, क्योंकि यार थोड़ी देर में सारे बंदे मर जाते हैं ऑटोमेटिक। और जो लास्ट बंदा था वो पिंक हाउस वाला, वो आ जाता है इधर ऊपर। तो देखो इस बंदे को क्लोज जाके मतलब ऐसे मारेंगे कि उसको खुद को पता नहीं चलेगा। यहाँ पे जाते जाते मैं बीच में एक स्मोक फेंक दूँगा पहले, ऐसे कन्फ्यूज करने के लिए, और उसको क्लोज में जाके आप जस्ट देखो कैसे मारते हैं। सो हे गाइज, सो हे गाइज, हे बडीज, हे फ्रेंड्स, हे व्यूअर, हे सब्सक्राइबर, क्या बोलूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो यार अगर ये गेम प्ले आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नहीं इच्छा है तो मत करना, कोई बात नहीं। और यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।